अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बुशरा अस्करी गिविंग यू द लेसन ऑन रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। दिस इज़ द 21st लेक्चर विच आई एम डिलीवरिंग टू यू। आज हम बात करेंगे रॉजर्स की पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के बारे में। इसकी थ्योरी का नाम था फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, तो और ये सब प्राइवेट एक्सपीरियंस जो कि एक इंडिविजुअल दुनिया को देखने के लिए व्यू करता है। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम दुनिया को किस तरह देखते हैं। ये जो अप्रोच है ये सेल्फ को एम्फसाइज करती है। रॉजर्स थ्योरी इज़ ऑफन रेफर्ड एज सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन द फॉर्म इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। इंसान किस तरह सोचता है दुनिया के बारे में और उसकी सोच का अंदाज़ क्या है, इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, इससे हमें डिपेंड करता है कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा है, यानी कि वो अपने बारे में अपना उसका क्या व्यू है वर्ल्ड को समझने के लिए। तो रॉजर्स जो थ्योरी है वो इस पर डिपेंड करती है। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल स्केच की तरफ। जो ये कार्ल रॉजर्स वाज बॉर्न इन जनवरी 8। रॉजर्स जो हैं वो इलिनॉइस में पैदा हुए और ही वॉज़ द फोर्थ ऑफ सिक्स चिल्ड्रन। वो फोर्थ थे अपने भाई बहनों में और हिज फादर वॉज अ सिविल इंजीनियर। रॉजर्स हैज़ रिटन सेवरल बुक्स ऑन काउंसलिंग एंड पर्सनैलिटी। रॉजर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी काउंसलिंग और पर्सनैलिटी के बारे में, इंक्लूडिंग साइकोथेरेपी, पर्सनैलिटी चेंज, ऑन बिकमिंग अ पर्सन और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इस तरह ही रोट अ नंबर ऑफ बुक्स। On the basis of clinical experience, Rogers has concluded the innermost core of the human nature is personality's purposive, forward-moving, constructive, realistic, quite trustworthy. He regards the person as an active force of energy toward future goal and self-directed purposes rather than a creature pushed and pulled by force beyond his or her control. अकॉर्डिंग टू द रॉजर्स, इसने ये जो है एम्फसाइज़ किया कि जो इंसान की जो अपनी इनर मोस्ट नेचर है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, वो रियलिस्टिक है, यानी कि दुनिया को जैसे है वैसे देखती है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, यानी कि बिलीव कर सकते हैं हम उसके ऊपर, इंसान के इनर नेचर के ऊपर। और वो जो है एक्टिवली अपने जो गोल है फ्यूचर गोल की तरफ वो उसकी तरफ फॉरवर्डली देखते हैं, यानी कि अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो ऐसा इंडिविजुअल जो कि किसी और उसको पुश करे पुल करे। यानी कि इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है या उसमें इतनी पावर होती है कि वो अपने गोल्स को खुद अचीव कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, जैसे उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन है वो बिलीव करता है कि इंसान इवल है, सिनफुल है, और इस तरह फ्राइड ने भी कहा कि इंसान के अनकॉन्शियस जो है वो उस पर उसकी ज़िंदगी का महवर होता है और इड इम्पल्सेस जो होती हैं वो इंसान को फोर्स करती हैं कि वो बुरा काम करे, इस तरह वो गलत काम करता है, जैसे इंसेस्ट हो गया, होमिसाइड या लोगों को कत्ल करना, चोरी करना, रेप है। अकॉर्डिंग टू ये दीज आर ऑल ये सारे बुरे काम हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फ्राइड, इंसान की नेचर ऐसी है कि वो इड इम्पल्सेस की तरफ जाता है। मगर जो रॉजर्स का कहना था, उसने कहा कि जो इंसान है उसकी नेचर अच्छी होती है और वो एक पॉजिटिव उसकी ग्रोथ होती है और वो एक रैशनल क्रिएचर है जो कि दूसरों के साथ अच्छी तरह रहना चाहता है और अपने आप को दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारने की कोशिश करता है और लोगों को भी ऑप्टिमिस्टिक उनके लाइफ में ऑप्टिमिज्म यानी कि मुस्बत रवैयों को फ़रोग देता है। यानी कि इंसान के अंदर इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो दूसरों के साथ कोऑपरेट कर अच्छी ज़िंदगी दूसरों को दे। इंसान में एक जैसे रॉजर का एक और कॉन्सेप्ट है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी।
उसमें ये कहना है कि इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है जो कि वो उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, और ना कि वो पीछे लेके पीछे नहीं बल्कि डिग्रेशन के नहीं बल्कि उसकी लाइफ जो है वो एनर्जाइज ग्रोथ में एनर्जाइज करती है, और वो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इंसान की पर्सनालिटी, जो कि सेल्फ रिलायंस हैं वो, जो अपने आप पर बिलीव करते हैं और क्रिएटिव होते हैं। तो इंसान की नेचर जो है वो उसके अंदर एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसीज होती हैं, यानी कि ग्रोथ की टेंडेंसीज होती हैं, ना कि बुरे ईवल ख्यालात या इल इम्पल्सिस के पीछे भागने वाली पर्सनालिटी नहीं होती, बल्कि इंसान के अंदर पॉजिटिव टेंडेंसीज होती हैं। और ये एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी जो होती हैं ये ना सिर्फ इंसानों में होती हैं बल्कि जानवरों में होती हैं और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर होती हैं, बल्कि ये एक लाइफ का निचोड़ है कि ग्रोथ है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड, क्रिएटिविटी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो कि इंसान को लाइफ को आगे लेकर जाती हैं और ज़िंदगी का ये निचोड़ है। रॉजर्स की थ्योरी को हम फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि फिनोमिनोलॉजिकल जो पोजीशन है उसके मुताबिक इंसान जिस तरह सोचता है वो अपने रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचता है, यानी कि उसका सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, यानी कि वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है, यानी कि जो उसके इंटरनली जो वो परसीव करता है वैसे ही वो दुनिया के बारे में सोचता है। जैसे कि उसने एक मिसाल दी है, एक इंसान है जो कि थर्स्टी है और उसको दूर से सहरा में है और दूर से उसको लगता है कि एक मिराज है, यानी कि पूल ऑफ वाटर है, वो धोखा उसको लगता है कि वो दूर से चमकती हुई चीज़ ऐसे फील होती है कि वो पानी है वहाँ पर, मगर ऐसा नहीं होता। मगर और दूसरा इंसान जो जिसको प्यास नहीं लगी है वो उसको पानी नहीं तसव्वुर करेगा, वो ये समझेगा कि वो धोखा है। तो हर एक इंसान की सोचने का और दुनिया को देखने का अपना अलग तरीका है, जो कि सब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि जैसे कि इंसान सोचता है और जैसे वो फील करता है, जैसे बिहेव करता है, तो वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो किस तरह दुनिया को इंटरप्रेट करता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज़ द की टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, यानी कि इंसान का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो किस तरह सोच रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, उसका क्या ज़ाती तजुर्बा है, तो ये हमें इम्पोर्टेंट जो है वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड हमें मदद करती है, किसी भी इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि वो उसका अपना जो ज़ाती तजुर्बा है या ज़ाती वो किस तरह दुनिया को देखता है, किस तरह परखता है, ये इम्पॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ को या और उसकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। रॉजर्स चॉइस ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच की एक ये भी खसूसियत है कि जो ये जो अप्रोच है वो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को देखती है, यानी कि एक इंसान किस तरह सोच रहा है, किस तरह बैठ रहा है, किस तरह उठ रहा है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करती है, ना कि वो एटोमिस्टिक उसकी अप्रोच नहीं होती, यानी कि रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं होती, बल्कि होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि हमें पता चल सके कि एक इंसान के सोचने का क्या तरीका है, यानी कि वो इंसान को हम जैसे पढ़ते हैं तो हमें पता लगना चाहिए कि एक इंसान पूरे का पूरा उसकी पर्सनैलिटी किस तरह दिख रही है, यानी कि ये नहीं है कि वो जो है किस तरह सोच रहा है, सिर्फ एक हम पॉइंट को नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे कि वो किस तरह एक्ट कर रहा है और वो किस तरह चीज़ों को परसीव कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पर्सनालिटी को रॉजर्स इम्पोर्टेंस देता है और ये फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच इसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, हु एम आई एनीवे, इसमें ये है कि कॉन्शियस परसेप्शंस होती है, जैसे आई और मी का इम्पोर्टेंस दी गई है, द सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली वन परसेप्शन ऑफ व्हाट वन इज़ लाइक बट आल्सो व्हाट वन थिंक्स और टू बी एंड वन वुड लाइक टू बी, द लेटर कंपोनेंट ऑफ सेल्फ इज़ कॉल्ड आइडियल सेल्फ, एक आइडियल सेल्फ होती है जिस जो इंसान बनना चाहता है और वो दुनिया के बारे में किस तरह उसके बारे में सोचता है,
मोस्ट लाइक टू प्रोसेस इट। हर कोई चाहता है कि वो आइडियल जो जिस तरह वो देखना चाहता है वैसे ही दुनिया को उसके दुनिया उसके लिए बने। और ये सुपर जो फ्रॉइडियन थ्योरी का सुपर ईगो है ये इसके इक्वल है द आइडियल सेल्फ। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स जो इंसान जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी सेल्फ बनती है और उसमें ये होता है कि वो जैसे खाना पीना भूख प्यास ये सारी नेगेटिव वॉइसेस जो हैं वो उसको नेगेटिवली वैल्यू देता है सिंस दे इंटरफेयर विद मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल इंटेग्रिटी। तो ये जो चीज़ें होती हैं इंसान की बायोलॉजिकल नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं मगर ये इंसान को परेशान करती हैं इसलिए वो उनको नेगेटिवली वैल्यू करता है। और फूड वाटर सिक्योरिटी एंड लव आर पॉजिटिवली वैल्यू। जब इंसान को वैल्यू मिलती है फूड मिलता है लव मिलता है देन वो कहता है कि नहीं जो है मेरा सेल्फ पॉजिटिवली वैल्यूड है। कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो प्लीजिंग होते हैं उनके लिए कुछ डिसप्लीजिंग होते हैं यानी कि जब उनको खाना और ये सब सिक्योरिटी वगैरह मिलती हैं तो वो खुश होते हैं और जब उनको कोई नेगेटिव वॉइस या लाउड वॉइस बच्चे को जो सुनाई देती है तो वो डिसप्लीजिंग होते हैं। तो सच एवेल्यूएशन रिजल्ट फ्राम द स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी कि वो जैसे वो उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है तो वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं तो दे आर नेचुरल यानी ये टेंडेंसीज नेचुरल हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड। नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको लव एंड अटेंशन की ज़रूरत होती है और वो चाहता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें मोहब्बत करें उससे और उसको एडमायर करें। जब ये ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती है तो एक बच्चा जो है ना वो सेटिस्फाइड लाइफ गुजारता है और जब ये नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन उसको होती है और डिसअप्रूवल उसको फील होती है। तो रॉजर इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव रिगार्ड में भी अदर लर्न और इननेटली गिवन टू ऑल पर्सन। ये जो पॉजिटिव रिगार्ड है वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी होती है या तो ये लर्न होती है तो एनवायरनमेंट के साथ जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो लर्न करता है या फिर ये जो है पॉजिटिव रिगार्ड ये इनबॉर्न भी हो सकती है। तो रॉजर ने कहा है कि पॉजिटिव रिगार्ड जो होती है वो लर्न होती है एनवायरनमेंट के साथ वो सीखता है उसको जब अच्छी मोहब्बत मिलती है सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो चाहता है कि लोग उसको मोहब्बत करें एडमायर करें और ये एनवायरनमेंट के साथ उसको इंटरेक्ट जब करता है एक बच्चा तो उसके अंदर ये नीड डेवलप होती है। कंडीशंस ऑफ बर्थ। अब इसमें ये है कि एक बच्चा है उसके वो बर्थफुल उस वक्त फील बर्थली उस वक्त फील होगा जब उसको किसी कंडीशंस उसके साथ लगाई जाएंगी यानी कि एक बच्चा फर्ज करें अगर ए लाता है तो ए नहीं ला अगर फर्ज करें एक बच्चा ए नहीं ला सकता तो बाप उसको पनिश करेगा तो वो उसके लिए एक ये गलत मिसाल कायम होगी। तो इसमें यह है कि जैसा बच्चा है उसको उसी तरह एक्सेप्ट किया जाए तो उसकी कंडीशंस ऑफ बर्थ जो है वो बढ़ती है। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है इसमें हम कहते हैं कि हर तरह की रिलेशनशिप में ये मैनिफेस्ट करता है और इसे जो हमें सपोर्ट मिलती है या फिर हमें सपोर्ट नहीं मिलती यानी कि अगर हमारी बर्थ जो है वो अच्छी है तो हमें उसी वक्त अच्छी अपनी वर्थनेस का ख्याल होगा जब हम अच्छा काम करेंगे। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ बर्थ। एक और जो कॉन्सेप्ट है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है यानी कि बच्चे से उस पर मोहब्बत ना की जाए जब वो किसी तरह की कंडीशन ना लगाई जाए यानी कि जब माँ बच्चे से प्यार करती है तो विदाउट एनी कंडीशंस करती है। जब इस तरह विदाउट एनी कंडीशंस जेन्युइनली कोई आपसे मोहब्बत करेगा तो फिर उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होगा और ये नहीं है कि वो किसी कंडीशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो वो उसको अच्छी तवज्जो मिलेगी या उसके उसको जो है मोहब्बत मिलेगी बल्कि विदाउट एनी कंडीशन बच्चे से मोहब्बत की जाए
This is called unconditional positive regard. So students, this is the end of the lecture. We will meet again for the second part of Rogers' person-centered approach. Okay, take care.